दोस्तों अंतरिक्ष की सैर तो सब कोई करना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि आसमान से ऊपर क्या है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे क्या है, या फिर इस जमीन को खोदने पर आपको नीचे क्या मिलेगा। दोस्तों आज तक जितने भी लोगों ने ये निश्चय किया है कि वो जमीन खोदकर जमीन के सबसे नीचे जाएंगे, वो सब एक डेप्थ तक ही जा पाए हैं। जमीन को खोदते खोदते अंत तक यानी कि कोर तक कोई मशीन या मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। आपके मन में और भी तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि जमीन के नीचे कौन कौन से रहस्य छुपे हैं, क्या जमीन के नीचे दूसरी दुनिया बसी है। आपने बहुत बार अपने आसपास के लोगों को ये कहते सुना होगा कि जमीन के नीचे पाताल लोक है और वहाँ भी दुनिया बसती है। और तो और लोगों का ये भी मानना है कि अगर हम भारत में एक बड़ा गड्ढा खोदें तो उसके जरिए किसी दूसरे देश में जाया जा सकता है। दोस्तों आपने जमीन खोदने से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें सुनी होगी, जैसे बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि अधिक गहराई वाले गड्ढे नर्क का द्वार खोलते हैं। साथ ही आपने बहुत बार जमीन के नीचे से कुछ सोने चांदी की चीजें, मूर्ति और भी ऐसे मुलायम चीजें मिलने की खबरें सुनी ही होंगी। कुछ लोग मानते हैं कि जमीन के नीचे दूसरी दुनिया बसी है, और तो और कुछ का तो ये कहना है कि जमीन के नीचे भूत प्रेत का साया है। अब सवाल ये है कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये वीडियो। दोस्तों जमीन के नीचे की दुनिया पूरी तरह से रहस्यों से भरी हुई है, जितने रहस्य उतने ही प्रश्न भी है। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे हम आज की इस वीडियो में। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की मुख्यतः तीन परतें हैं, क्या आप इनके नाम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जिस भूमि पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। आपको बता दें क्रस्ट की थिकनेस लगभग 24 किलोमीटर है। अब इससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती पर सबसे गहरे गड्ढे की क्या गहराई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक हम अधिकतम 12 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाए हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है कोला सुपर डीप बोरहोल। ये गड्ढा रशिया में स्थित है। 9 इंच डायमीटर वाला ये गड्ढा बहुत से रहस्यों को छुपाए हुए है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस गड्ढे की खुदाई के समय एक अनहोनी हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि एक लिमिट पर आकर इसकी गहराई रोकनी पड़ी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही ड्रिलिंग मशीन 40,230 फीट तक पहुंची, इसका कारण ये था कि जमीन के नीचे टेम्परेचर बहुत अधिक था, जिस वजह से गड्ढे की खुदाई बंद करवानी पड़ी। कि कोला सुपर डीप होल की खुदाई करते समय वैज्ञानिकों ने बहुत भयंकर आवाजें भी सुनी थी। ये आवाजें बहुत ही खतरनाक थी और सबूत के तौर पर इन्हें रिकॉर्ड भी किया गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो गड्ढे के अंदर नरक है, जहां पर लोग चीख चिल्ला रहे हैं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आवाजें पृथ्वी के अंदर होने वाले आंतरिक गतिविधियों की भी हो सकती है। अब तक इस विषय पर कुछ भी पक्का नहीं बताया जा सकता है। एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धरती के कोर का टेम्परेचर 5,100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों अगर कोई इंसान या मशीन किसी तरह पृथ्वी के कोर तक पहुंच भी जाए तो वो वहां जलकर राख हो जाएगी। एक मुख्य बात ये भी पता चली है कि जमीन से 12 किलोमीटर नीचे भी जीवन है। जो चट्टानें वहां पर मिली है उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह भी मिले हैं। यानी इतने अधिक तापमान वाली जगह पर भी जीवन की कल्पना की जा सकती है। जैसे कि आपने सुना है कि जमीन के नीचे दुनिया बसती है, शायद आपको ये बात अफवाह लग रही होगी, पर ये बात बिल्कुल सच है। टर्की में एक अंडरग्राउंड शहर की खोज की गई है। ये शहर ऐसे निर्मित है जैसे कि यहाँ हवा पानी का अभाव ना हो। आपको बता दें कि ये शहर बहुत ही पुराना भी है, पर इसकी बनावट और खूबसूरती से खोजकर्ता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। दोस्तों अगर मैं कहूं कि एक ऐसा अंडरग्राउंड गांव भी है जहां पर लोग आज भी रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। तो जी हां दोस्तों, एक ऐसा गांव सचमुच है जो अंडरग्राउंड है और जहां पर लोग रहते हैं। इसे ओपल सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा गाँव है जो जमीन के नीचे बसा हुआ है। सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा होगा। दोस्तों जमीन के नीचे बसे इस गांव की कल्पना करें तो ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी के घर हों
या झोपड़ियाँ होंगी और मिट्टी की सड़कें भी, पर असल में ये बिल्कुल विपरीत है। यानी इस गांव में आलिशान घर और मॉल्स म्यूजियम सब हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से कुछ दूर स्थित है ये गांव। इस अंडरग्राउंड गांव को देख के अच्छे अच्छे लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दोस्तों, जमीन की खुदाई अक्सर पानी या तेल ढूंढने के लिए की जाती है। सामान्य इंसान केवल वहीं तक सोचता है जहां तक उसे जरूरत होती है। आपको बता दें कि जमीन को खोदने पर पानी और तेल भारी मात्रा में मिलते हैं। जमीन के नीचे एक्विफायर्स भी मिले हैं। ये कुछ खास तरह की चट्टानें होती हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। धरती पर मौजूद कुल पानी का 1.6% हिस्सा जमीन के नीचे है और बड़ी जनसंख्या और लोगों की जरूरत के कारण पानी की भी कमी होने लगी है। वैज्ञानिक प्रकृति पर मौजूद हर चीज में अपनी रुचि रखते हैं। वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि धरती को खोदकर सबसे नीचे खोज की जाए। खोजकर्ताओं के अनुसार धरती के नीचे कुछ ऐसा भी मिलने की संभावना है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सके। यही कारण है कि हर देश सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा खोदना चाहता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने स्पेस रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। जैसे स्पेस रेस में अलग अलग देश अपने यान को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजने की होड़ में लगे हैं, ठीक इसी प्रकार विभिन्न देश अधिक से अधिक गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश में लगे हैं। धरती की आंतरिक संरचना को जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। अगर विज्ञान की माने तो धरती के नीचे बहुत सारी परतें हैं। ये परतें अलग अलग तरह की चट्टानों से बनी हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ रिसर्च की जिससे पता चला कि धरती से 160 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की दूसरी परत मिलती है। इस परत को स्टेनोस्फेयर का नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि भूमि पर गड्ढा करके दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता है, तो आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि खुदाई करते वक्त पृथ्वी के दूसरे तरफ जाना बिल्कुल असंभव है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में खुदाई करते हैं, हमें बढ़ते टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि भविष्य में हो सकता है किसी ऐसे धातु की खोज की जाए जो इजीली अवेलेबल हो और जो अधिक से अधिक तापमान पर भी ना पिघले, पर अभी तक ऐसी किसी भी धातु की खोज नहीं की गई है। ये दुनिया असल में हमारी काल्पनिक दुनिया से बहुत बड़ी है। अगर पृथ्वी की बात करें तो महज पृथ्वी के ही इतने सारे राज हैं जो हमसे छुपे हैं। हम जितना ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं, इसमें और उलझ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।